जैन दोस्तों, अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के अभी आई हुई है। इसके कुछ देर पहले ही आपको वीडियो देखने को मिला दोस्तों, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और साथ ही नोटिफिकेशन का लिंक अनिल सर आईटीआई वेबसाइट जो कि anilsirit.in पे अपलोड किया गया करियर ऑप्शन पे, यहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। इसको लेकर के कुछ सवाल आपके मन में आ रहे थे कि इसमें टोटल सीटें कितनी हैं, कौन कौन से राज्य कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और क्या फ़ायदा है इसरो से अप्रेंटिसशिप करने का। ये तो जैसे कि अहमदाबाद की तरफ से निकला है, जैसे कि रेलवे कई सारे यूनिट हैं, सॉरी कई सारे डिवीज़न है, कई सारे जोन है, उसी तरह इसरो का भी कई सारे यहाँ पे सेंटर्स है जो कि पूरे भारत में कई कई सारे जगह पर उपलब्ध किए गए हैं। ये अहमदाबाद की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकाला गया, आने वाले दिनों में कई सारे जगह से अप्रेंटिसशिप आपको देखने को मिल सकता है। ये अप्रेंटिसशिप अहमदाबाद की तरफ से है, तो आपके मन में सवाल आ रहा था कि ये पूरे इस पर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप नीचे ही तो गए थे, एक नोटिफिकेशन आपको लिखा है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनलिटी मतलब कि भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के तो नहीं लिखा गया, लेकिन आपको यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर दिखा गया, हिंदी में देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट स्नातक और टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा और ग्रेजुएट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दादर नगर हवेली, दीव और दमन राज्य के होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री के लिए कहा गया, लेकिन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो कि आईटीआई वालों की बात करें तो आईटीआई के सिर्फ गुजरात राज्य के ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कहीं के रहने वाले हों, लेकिन आईटीआई जो पास आउट है वो गुजरात राज्य के ही आईटीआई से पास आउट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक कंडीशन है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कि इसे कितनी संख्या है, सीट कितनी है। तो देखिए, सीट का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है, और उतना हज़ारों की संख्या में यहाँ पर सीटें नहीं होती हैं जितना आप अदर रेलवे में या अदर जगह पर आप देखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ही सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। मैं आप इतना तो हम भी नहीं बता सकते कितना है क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर आप गुजरात के रहने वाले होंगे और आपका ट्रेड आपके इसके अंदर आता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, कितनी सीटें हैं उसको छोड़ कर, क्योंकि उसकी जानकारी आपको मिलेगी नहीं। देना होता तो आपको पहले भी इसके जरिए आपको बता दिया गया होता, ठीक है। तो इसकी जानकारी हम आपको दे भी नहीं पाएंगे, और आरटीआई करते तो वहाँ जानकारी भी मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वो बता देंगे आपको कि ये आपको आरटीआई इंफॉर्मेशन एक्ट के आधार पर आप नहीं मांग रहे हैं। सवाल अगला आता है कि फ़ायदा क्या है यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने का। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इसरो से अप्रेंटिसशिप करें तो फ़ायदा एक ही होगा जो एक जगह पर होगा, क्योंकि वैसे भी आप इसरो जो वैकेंसी निकलती है टेक्नीशियन बी की वैकेंसी, उसमें आईटीआई मांगा जाता है या अप्रेंटिसशिप, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसरो से अप्रेंटिसशिप करते हुए अप्लाई करेंगे सिर्फ, कुछ अगर वैकेंसी भविष्य में आती हैं स्किल्ड की वैकेंसी जो इसरो से अप्रेंटिसशिप किए हैं और स्किल्ड की वैकेंसी आती है तो आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगा जाएगा, तो उस समय इसरो के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक कई सालों से ऐसी वैकेंसी आई नहीं है, 2019 के बाद अभी लॉकडाउन लगा फिर उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। अगर आती है भविष्य में तो आपको उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है, और बाकी अभी कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आ रहा है जो आपको आने वाले भविष्य में या पहले भी इसरो अप्रेंटिसशिप का मिला हो, या 20% या 10% या 1-2% कितना भी, ठीक है। तो इसमें कोई खास परसेंट छूट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में स्किल्ड की वैकेंसी आती है जो टेक्नीशियन स्किल्ड और वैकेंसी आती है, जैसे कि नेवी में स्किल्ड की वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप वाले वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं जो नेवी से अप्रेंटिसशिप करेंगे। लेकिन इसरो का स्किल की वैकेंसी अभी अगर आती है तो उससे मौका मिलेगा, बाकी अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्रेंटिस रहेगा या नहीं रहेगा, आईटीआई होना चाहिए या आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते तीनों सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। तो स्टेट आईटीआई वाला स्टेट जो है गुजरात राज्य के कैंट, और फ़ायदा यही है कि अगर आप आने वाले दिनों में स्किल की वैकेंसी आएगी उसमें मिलेगा छूट आपको, अप्रेंटिसशिप पाएगा। और बाकी आपको अप्रेंटिसशिप करने से 20% जैसे रेलवे में छूट मिलता है वैसे आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा। टोटल सीट की जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो बस फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भरने का शुल्क नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो चैनल पर उसकी जानकारी भी अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।